जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, तो आ लेक्चर में आपने एक्स अने वायना प्राचल समीकरण आप्या छे, बराबर ने? तो एक्स अने वायना प्राचल समीकरण एटले के एक्स कोई अलग चल में विधेय हशे टी समथिंग, अहींया थीटा चल में विधेय कहेवाशे एक्स, बराबर ने? एम वाय पण कोई बीजा चल में विधेय हशे, माटे आपने एने प्राचल एक्स अने वायना केवा प्राचल समीकरण। तो जुओ, एक्स बराबर ए कॉस थीटा ने वाय बराबर बी साइन थीटा आपू छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो आपने एमा शू शोधवाना छे, डीवाय बाय डीएक्स शोधो एवो छे। ओके, तो सीम्पल छे, आपने कही छे ने एक्स क्या चल में विधेय छे थीटा, वाय क्या चल में विधेय छे थीटा, चल थीटा पण चल छे, ध्यान राखजो। तो हवे एक्स बराबर ए कॉस थीटा, तो एनु आपने एक्स सापेक्ष विकलन कर्युं छे, एक्स नू डीएक्स अपॉन डी थीटा ए तेवान तेवा, तो आमा एवुं थई जाय ए तेवान तेवा ने डी अपॉन डी एक्स सॉरी डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा एनु विकलन शू थाय माइनस साइन थीटा, तेथी माइनस चिन्ह आगळ आवतो रह्यो छे ले माइनस साइन थीटा। ओके, अहींया वायनु थीटा सापेक्ष डी वाय बाय डी थीटा, बी तेवान तेवा छे अने कॉस थीटा छे एनु शू थशे साइन थीटा थशे। ओके मित्रों, तो आ विकलन क्लियर। हवे शू करीशुं, डी एक्स अपॉन डी थीटा आपणे सॉरी डीवाय अपॉन डी थीटा ने डीएक्स अपॉन डी थीटा से हवे अहींया डीवाय बाय डीएक्स थीटा थीटा कैंसल जाए ने एटले डीवाय बाय डीएक्स, एटले जो ऊपर डीएक्स अपॉन डी थीटा की किंमत नीचे डीवाय अपॉन डी थीटा ने बी अपॉन ए छे। ओके सॉरी, अहींया तो अहींया साइन थीटा कैंसल माइनस माइनस चिन्ह कैंसल, तो बी ना छेद में आवशे ने डी थीटा कैंसल थवाथी डीवाय बाय डीएक्स थशे। ओके मित्रों, नेक्स्ट एक्जाम्पल आपने टी चल में एक्स टी चल में विधेय छे अने वाय पण टी चल में विधेय छे, बराबर छे? तो हा भाई, एक्स टी चल में छे तो एनु डीएक्स अपॉन डी टी कॉस टी, अने वाय टी चल में छे तो डीवाय अपॉन डी टी, तो कॉस टू टी नू शू थशे साइन टू टी, अने टू टी नू पाछू टी नू वन थई जाय अने टू ते वन ते वन। ओके, तो अहीं आपने डीवाय बाय डी टी है ये मड़ी गया है डीएक्स अपॉन डी टी, एटले ज्यारे डीवाय बाय डीएक्स शोधवा होय तो डीवाय अपॉन डी टी अंशेद में डीएक्स अपॉन डी टी करीशुं, बराबर ने? तो डी टी डी टी कैंसल, तो डीवाय बाय डीएक्स मड़ी गया, परंतु ऊपर डीवाय बाय डी टी की किंमत मूकवानी शू छे, अहीं शू करीए छे डीवाय अपॉन डी टी की किंमत डीएक्स अपॉन डी टी की किंमत, बराबर छे मित्रों? तो आपने डी टी डी टी उड़ी गया, तेथी डीवाय बाय डी एक्स मूक्या छे। हवे साइन टू थीटा नो अहीं सूत्र वापरे छे, साइन टू टी नो शू थशे टू साइन टी कॉस टी, एटले आ बे दू थईने शू थई गया चार, तो कॉस टी जता रह्या तो माइनस फोर साइन टी रहेशे, एटले डीवाय बाय डी एक्स शू मळे छे आपणને फोर साइन टी मळे छे। ओके, आ फ्रेंड्स तमने होमवर्क में आपीए छे। ओके, आगळ आईशु तो समझो, बराबर एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा अने वाय साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा आपी दीधा छे, तो एक्स जे चल में विधेय छे तो फ्रेंड्स आपने सॉरी अहीं एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा वाय साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा छे, तो एक्स जे चल में विधेय हो एक्स क्या चल में थीटा चल में विधेय छे, तो थीटा सापेक्ष विकलन करो फ्रेंड्स, तो एक्स नू थीटा सापेक्ष आ थयुं जे एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा कॉस थीटा नू माइनस साइन थीटा अने कॉस टू थीटा नू माइनस टू साइन टू थीटा विकलन थशे। ओके फ्रेंड्स, तो हवे अहीं वाय इज इक्वल टू साइन थीटा साइन टू थीटा, तो वाय नू फरी थीटा सापेक्ष विकलन करीए छे, तो साइन थीटा नू कॉस थीटा ने साइन टू थीटा नू टू साइन टू थीटा, आपने विद्यार्थी मित्रों आवड़े छे।
ओके तो डीवाय थीटा अपॉन डीएक्स अपॉन डी थीटा एनी किंमत ज ऊपर मूकी देवानी छे बराबर छे। तो फ्रेंड्स जे डी थीटा कैंसल थाय छे डीवाय बाय डीएक्स ओके तो अपने डीवाय बाय डीएक्स की किंमत अपने आ मळे छे क्लियर। हवे अहीं फरी आपने एक्स इज इक्वल टू प्राचल समीकरण जाए पर एक्स इज इक्वल टू ए कोस में थीटा माइनस साइन थीटा अने वाई इज इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा बराबर है। एटले एक्स वाई है एना प्राचल समीकरण है ये पण कोई वेल्यू धरावे छे। तो एक्स ने डीएक्स अपॉन डी थीटा डी अपॉन डी थीटा बने साइड अप्लाय करीए छीए ए थीटा माइनस ए बार रही जाए छे थीटा नो वन थीटा सापेक्ष एंड साइन थीटा नो कोस थीटा फरी वाई बराबर आप दीदा छे ए वन प्लस कोस थीटा अहींया वन प्लस आप्या छे ध्यान रखो डी वाई अपॉन डी थीटा डी अपॉन डी थीटा आ बाजू पण लागू पाड़ीए छे ओके। तो ए अहींया वन नो विकलन जीरो कोस थीटा नो माइनस साइन थीटा एटले जीरो माइनस साइन थीटा होय तो आपणे माइनस साइन थीटा ज लखीशुं ओके फ्रेंड्स। तो हवे अपने अहीं फरी शू कर डीवाय थीटाना छेद में डीएक्स थीटा मूकीशू जो अँ मूकी दीदा छे ओके मित्रों। तो डी थीटा कैंसल जशे तो डीवाय बाय डीएक्स रहेशे डी थीटानी माइनस ए साइन थीटा अने अँ डीएक्स अपॉन डी थीटा ए वन माइनस कोस थीटा ओके। तो कोस अँ साइन थीटा नी जगह तमे फॉर्म्यूला यूज करेलू छे शूँ थाय साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू ए रीतना साइन टू थीटा नू छे ओके। आज वन माइनस कोस तो टू टू साइन स्क्वेर थीटा थशे सॉरी साइन स्क्वेर थीटा बाय टू। तो आ एक फॉर्म्यूला छे यूज करेलू छे एक एक साइन जता रहेशे तो खाली रहेशे कोस थीटा बाय टू अन छेद में शू रहे साइन थीटा बाय टू माइनस टू टू पण कैंसल जशे तो कोस अपॉन साइन एटले कॉट थी जाए ओके फ्रेंड्स। तो आपने आ रीतना डीवाय बाय डीएक्स मळे छे ओके। हवे आ फंक्शन में फ्रेंड्स आपने जोईए तो एक्स अने वाई प्राचल समीकरण स्वरूपे હોય તો પ્રચલનો લોપ કર્યા વગર ડીવાય બાય ડીએક્સ શોધવાનું છે। જો લોપ કર્યા વગર એટલે ટી જે છે એનો લોપ નહીં કરવાનો બરાબર છે એને સૂત્રનો કરતા નહીં બનાવવાનું એકચ્યુઅલી। તો એક્સ છે એને ડીએક્સ અપોન ડીટી એ શોધીશું કારણ કે ટીમાં જ ટી ચલમાં છે વાય છે તો શું શોધીશું ડીવાય બાય ડીટી શોધીશું। હવે મિત્રો આપણે અહીંયા છે તો એક્સનું ટી સાપેક્ષ વિકલન કરીએ છીએ જો सॉरी एक्स नू केला सापेक्ष टी सापेक्ष तो एक्स नू टी सापेक्ष शू थशे डीएक्स अपॉन डी टी कोस टू टी एटले अहींया शू छे आ भागाकारनो नियम लगाड़ीए छे बने आ भाग्या छे तो अहींया शू थाय छे के छेद बाकी अंशनू विकलन अंश बाकी छेदनो विकलन छेदमां छेदनो वर्ग हाँ मीन्स के एफ एक्स बाय जी एक्स होने एनु विकलन करवानु तो शू कह जी एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाकी डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स ओके मित्रों छेद में जी एक्स नो वर्ग ये आपनो फॉर्म्यूला है बराबर से रीतना अँ करे हवे कोस વર્ગુણ માં ટુ ટી જે છે તેવા જ છે વર્ગુણ માં કોસ ટુ ટી અહીંયા પહેલાં ઘાતનું થાય છે એટલે થ્રી સાઇન સ્ક્વેર ટી અને ફરી સાઇનનું થાય છે તો એ કોસ ટી ત્યાર પછી માઇનસ સાઇન ક્યુબ ટી તો છે જ પહેલાંનું શું તો પહેલાં વર્ગુણનું તો વન અપોન ટુ રૂટ કોસ ટુ ટી થશે ત્યાર પછી શું કરીએ છીએ કોસ ટીનું માઇનસ સાઇન ટી અને ટુ ટીનું ખેલું માઇનસ ટુ થશે ઓનલી પહેલાં માઇનસ ચિહ્ન જે કોસનું વિકલન છે માઇનસ સાઇન થાય છે એનું માઇનસ ચિહ્ન છે અને આ વર્ગને કારણે વર્ગમૂળ નીકળી જશે એટલે છેદમાં કોસ તૂટી આવી જશે ઓકે। તો હવે
थ्री साइन स्क्वेर टी कॉस स्क्वेर टी अँ मूक कॉस रूट टी अँ शू थी जाए साइन क्यूब टी तेवां मन साइन टू टी एट्ले आ माइनस चिन्ह और आ माइनस थी शू प्लस थी जाए ओके तो साइन क्यूब टी साइन टू टी और अंश अंशेदना टू टू कैंसिल कॉस अँ गुणी काढ़े जुओ अँ क्रॉस में लसा गुणो छो आ त्रीजा स्टेप में तो कॉस टू टी थी जैसे आखाने छेद में वर्गुण में कॉस टू टी हवे छेद में त्रण द्वितीयांश घात केम थई छे तो कॉस टू टी नी केटली घात छे एक छे अने पेली वर्गुण वाली केटली छे वर्गुण कॉस टू टी छे एनी एक द्वितीयांश घात कहेवाय तो वन प्लस एक द्वितीयांश केटली थाय त्रण द्वितीयांश थशे बराबर ने ए रीतना कॉस टू टी नी त्रण द्वितीयांश घात छे ओके मित्रों तो वाय इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अंडर रूट कॉस टू टी હવે વાયનું શોધવાનું છે આપણે આજે મળ્યા છે આપણને શું ડી એક્સ અપોન ડીટી નાવ લેટ મી ફાઇન્ડ ડીવાય બાય ડીટી ઓકે તો ફ્રેન્ડ્સ હવે અહીં ધ્યાન આપણે ધ્યાન રાખજો ડીવાય બાય ડીટીમાં પણ એ જ કર્યું છે શું તો કે અહીંયા જે કોસ ટુ ટીનું બાકી વિકલન છે અંશ એટલે કે કોસની ત્રણ ઘાટ ટીનું વિકલન ઓછા કોસ એટલે કે અંશ બાકી કોસની ત્રણ ઘાટ ટી અને છેદ એટલે કે કોસ આપણે વર્ગમૂળમાં કોસ ટુ ટીનું વિકલન છેદમાં કોસ ટુ ટીનો વર્ગમૂળમાં છે એનો વર્ગ કર્યો છે એટલે આ એફ એક્સ બાય જી એક્સ રૂલ્સ લગાડેલો છે બરાબર છે ગયા એક્ઝામ્પલ્સની જેમ સાદું વિકલન અહીંયા શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો માઇનસ ચિહ્ન કેમ આગળ મૂકી દીધું છે તો કોસ થ્રી કોસ ક્યુબ ટીનું થ્રી કોસ સ્ક્વેર ટી અને કોસ ટીનું માઇનસ સાઇન ટી એનું આ માઇનસ ચિહ્ન છે માઇનસ કોસ ક્યુબ ટી તેવાને તેવા છે અને અહીંયા વર્ગમૂળમાં વન અપોન ટુ રૂટ એક્સની જગ્યાએ વન અપોન ટુ રૂટ કોસ ટુ ટી વિકલન થાય છે અને કોસ ટુ ટીનું માઇનસ સાઇન ટુ ટી થાય છે અને માઇનસ અને આ રહ્યું એક માઇનસ અહીંયા શું છે એ માઇનસ ને આ માઇનસ થઈને શું થઈ જાય અહીંયા પ્લસ થઈ જાય છે ફ્રેન્ડ્સ જોવાનું છે એટલે ડાયરેક્ટ પ્લસ લખી દીધું છે અને છેદમાં વર્ગમૂળમાં કોસ ટુ ટીનો વર્ગ છે વર્ગમૂળને કારણે નીકળી જાય છે બરાબર છે હવે સેમ અહીંયા કોસ ટુ ટી ફરી ગુણાવવાના છે અહીંયા બરાબર છે અહીંયા એટલે એક કોસ ટુ ટી થઈ જશે માઇનસ ચિહ્ન તેવું તેવું એટલે બીજું ટોટલ સ્ટેપ અહીંયા તેના તે જ મૂકવામાં આવે છે કોસ ક્યુબ ટી સાઇન ટુ ટી થવાનું છે અને ફરી જેમ આમાં કોસની ત્રણ દ્વિતીયાંશ ઘાત થાય છે આમાં પણ સિમિલરલી થવાનું હવે ડીવાય બાય ડીએક્સ માટે શું કરે છે ડીવાય બાય ડીએક્સ માટે શું કરે છે મિત્રો ડીવાય બાય ડીટી અને એના છેદમાં ડીએક્સ અપોન ડીટી મૂકે છે તો ડીટી ડીટી કેન્સલ એટલે ડીવાય બાય ડીએક્સ આ રહે બરાબર છે તો હવે બસ વન અને ટુની જે આમની કિંમતો અહીંયા મૂકવામાં આવી છે પહેલાં જે આ છેદવાળા છે ને બંને જગ્યાએથી ઉડી જશે ધ્યાન રાખજો અહીંનો ને ઉડી જાય છે એટલે આ અંશ આ જે છે પદ એ ટોટલ અંશમાં રહેશે અને આ પદ ટોટલ ક્યાં રહેશે છેદમાં રહેશે ઓકે એ રીતના આપણે અહીંયા વિકલન કરવામાં આવે છે કોસ ક્યુબ ટીને અહીંયા ગુણ વડે બધાને ભાગે છે બરાબર છે તો ભાગતા જે છે છેદમાં કોસ ક્યુબ ટી જે પણ હશે એ જતા રહેશે બરાબર છે તો બાકીના ત્રિકોણમિતીય સૂત્રોને આધારે આખું પદ આપણને આ રીતના બને છે ઓકે મિત્રો એમાં સાઇન અપોન કોસ કરતાં ટેન ખાસ બને છે જે અહીંયા રીઝન્સ પણ આપી દીધા છે ફોર્મ્યુલા કોનું કેટલું ગુણવાનું છે અને શું કરવાનું છે તે ઓકે તો આ રીતના આપણને આ જે ટોટલ ફોર્મ્યુલા આપી દીધા છે અહીંયાથી આપણને આ રીતના ડીવાય બાય ડીએક્સ મળે છે ઓકે મિત્રો તો જય સ્વામિનારાયણ મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચર